घनश्यामपुर स्थित पाली पंचायत के रनप्रति मैदान के बगल में एसएम रजी हैदर की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास वेलफेयर फाउंडेशन का उद्घाटन अतिथि थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी शम्स तबेज आलम के द्वारा किया गया। इस मौके पर मौलाना जुबैर रशीद समी श्याम प्रसाद निराला सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। अर्थात जन्म हमने लिया है, मृत्यु सत्य है। बीच का जो है इसका जो है 2000 के आसपास पहले से पुरानी संस्था है, उनके दूरी करता है। वासुदेवपुर स्थित स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन करता बिहार सरकार के उच्च शिक्षा के पूर्व निर्देशक डॉक्टर श्याम नारायण कुमार थे, जिन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो साक्षरता हमारे भारत में
70% के लगभग साक्षर लोग हैं और 30% निरक्षर। हमारे बिहार में साक्षर 60% जो अभी बढ़कर 70% के लगभग हो चुका है। और उसी तरह से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट दरभंगा जिला के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि दरभंगा जिला का साक्षरता दरभंगा शहर का सदर प्रखंड का मुख्य रूप से 90% लोग साक्षर हैं और अभी भी 10% लोग निरक्षर हैं। साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान पूर्वी जो प्रखंड है वहाँ पर में आज के तारीख में मात्र 36% लोग साक्षर हैं और बाकी बचे लोग निरक्षर हैं। अलीनगर प्रखंड में उद्देश्य जो साक्षरता चला करके जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अपना हस्ताक्षर करना नहीं जानते हैं, उसके लिए साक्षरता का अभियान चला करके साक्षर किया जाए। इसके तहत भारत सरकार वर्तमान पंचवर्षीय योजना में साक्षरता अभियान को स्थगित रखा है, जबकि बिहार सरकार इस साक्षरता अभियान के तहत अक्षर आंचल योजना का कार्यान्वयन कर रहा है पूरे बिहार में, जिसमें दो तरह के शिक्षा प्रदान किया जाता है। एक मरकज तालीमी शिक्षा दिया जाता है जिसका भी पूरे बिहार में 542 केंद्र हैं। साथ ही साथ दूसरा टोला सेवक जिसका केंद्र अभी 220 पूरे बिहार में है, वो अभी 220 केंद्र के द्वारा टोला सेवकों के द्वारा लोगों को साक्षर किया जा रहा है। तो ये सबसे सफल आंदोलन या लोगों को साक्षर जागरूक करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजनाएं चलाई, आगे लोगों को साक्षर करें, यही मुख्य उद्देश्य है इस शिक्षण संस्थान का, इस प्रशिक्षण महाविद्यालय का, कि यहाँ के जो शिक्षक तैयार हो रहे हैं, शिक्षक पढ़ रहे हैं, बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वे हर अपने अपने समाज में कम से कम 2-4 अनपढ़ निरक्षर लोगों को ही अगर साक्षर कर देते हैं तो इससे समाज विकसित होगा, समाज में साक्षरताओं की प्रतिशत आगे बढ़ेगी। इसी उद्देश्य से इस सभा का, इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिससे कि दरभंगा जिला में काफ़ी से काफ़ी निरक्षरों की संख्या घटे और साक्षरों की संख्या। इन दिनों बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर जन अधिकार पार्टी के सांसद पप्पू यादव की पहले चरण की पदयात्रा 6 सितंबर को मधुबनी के बासोपट्टी से प्रारंभ हुई, जो 8 अक्टूबर को दरभंगा पहुंची, जिसकी शुरुआत गौसा घाट से हुई जो बेला मोड़, भंडार चौक, आयकर चौक, स्टेशन रोड, दोनार रोड होते हुए नाका नंबर 5 पहुँची। इस पदयात्रा में कई समर्थक के साथ साथ आम लोग भी शामिल थे जो साथ साथ चल रहे थे। वहीं सांसद पप्पू यादव किला घाट मुहर्रम कमेटी के कार्यालय पर जनसभा को संबोधित किया और प्रेस वार्ता की। और पूरा का पूरा शेल्टर हाउस बेरानवे से लेकर के अभी तक सभी सरकार ने उसको कॉपरेट किया हो, मलेशिया दुबई से लेकर के सब जगह मनीषा दयाल और उसके संबंध, कोई विपक्ष और सत्ता पक्ष बोलने को तैयार नहीं है। डेली गैंगरेप इस बिहार में हो रहा है, 4 दर्जन से ज्यादा गैंगरेप इस बिहार में हो रहा है, 4 दर्जन से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, नेता कहाँ है? बेटी वोट का सवाल नहीं है इसीलिए, वोटी सत्ता का सवाल नहीं है इसीलिए, शेल्टर हाउस में कोई जात और धर्म नहीं है इसीलिए, शेल्टर हाउस मनीषा दयाल के शेल्टर हाउस में कौन कौन लोग डायरेक्टर है? मधु कहाँ है जनाब? मधु सरकार के मुखिया के साथ मेंबर कैसे बन गई एड्स कमेटी में? और गायब कहाँ है? मधुबनी के शेल्टर हाउस की महिलाएं कहाँ गायब हो गई? गवाह को कहाँ मार दिया आप लोग? और उसके बाद सब मौन है, राजनीति चल रही है और डेली 4 दर्जन से ज्यादा गैंगरेप हो रहे हैं जो थाने में है। डेली शेल्टर हाउस में बच्चियां मर रही है, डेली शेल्टर हाउस में यौन शोषण चल रहा है, क्या बचता था फिर?
जब आप मनीषा दयाल ब्रजेश ठाकुर के फोन, नेताओं का फोन, जब उसके गवाह ने ब्रजेश ठाकुर के अपने लोगों ने जब ये सीबीआई को कह दिया है कि इसमें तीन मंत्री, बहुत सारे एमएलए एमपी वहां आते थे और यौन शोषण करते थे, फिर अभी तक उसको आउट क्यों नहीं किया गया? उनके होटल में कौन कौन जाते थे कहने बोला गया? कब होगी कार्रवाई मंत्री के पति पर जो मंत्री रिजाइन दी, और मंत्री कब रिजाइन करेंगे? और बेटी का सामूहिक बलात्कार रुकेगा कैसे? इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, उसके कारण है, उसमें कारण सामाजिक बुराई भी है। ये बात सही है कि इकबाल और डर खत्म हो गया, लेकिन ये जो पॉर्न, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी, हम उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट जा रहे हैं कि आप दुनिया के अमेरिका और कनाडा के बाद सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाले की संख्या भारत है, और उम्र 9 साल से लेकर के 47 साल ऐसी चीजें, बगल में बेटी और बहन के बगल में बैठ करके भोजपुरी, मिथिला की संस्कृति खत्म करके भलकर गीत, तो यौन शोषण कैसे रुक जाएगा? समाज के बीच हम बताने निकले हैं कि 16 साल तक अपनी बच्चियों को आप हॉस्टल में नहीं डालें, माँ के नजर से बाहर ना करें। कस्तूरबा स्कूल से लेकर निजी हॉस्टल, शेल्टर हाउस से लेकर के स्कूल, टीचर, नेता, पदाधिकारी, माफिया, सब इनवॉल्व। और यह लड़ाई रावणों के खिलाफ, इन नेताओं, महाभारत में जितना बड़ा जंग, द्रौपदी कभी सीता, कभी हजरत हुसैन साहब ने अपनी कुर्बानी दी थी, यजीद के खिलाफ युद्ध की तैयारी हुई थी देश को संदेश देने, वो उससे भी कड़ा संदेश। ये तो अभी समाज को बताने के लिए जरूरत होगा, इस रावणों के लंका को जलाएंगे। आज दरभंगा में सिसे में अंतिम हमारा पहला चरण का, चूंकि 10 तारीख को भारत बंद का निर्णय दिया है कांग्रेस और उनकी सहयोगियों ने, इसलिए हम लोगों ने 3 दिन पहला चरण स्थगित किया है। 14 तारीख उस रावण और दुर्योधन विभीषण के उस शहर से हम युद्ध की तैयारी करेंगे 14 को 1:30 बजे से मुजफ्फरपुर, और 16 तारीख को इनके लंका को पटना में जलाएंगे। जी, ये नेता बलात्कारी, ये माफिया, ये विभीषण कौन है? सर, मेरी बहन का बलात्कार और मेरी बेटी का बलात्कार होगा तब हम समझेंगे क्या? मुझे बोलवाइए नहीं सर, किसी की घर सुरक्षित नहीं है सर। सर, बेटी के सवाल पर, बहन के सवाल पर राजनीति मत नहीं होने दी सर। किसी की बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, ना स्कूल में। आपने पूरी आजादी दे दी है सर और देखने की सोशल मीडिया पर और इंटरनेट के लिए, इसलिए कहां से बच जाएगा सर? इस दरिंदे के नेताओं से, इसलिए लड़ाई दरभंगा में घटी है सर, दरभंगा के सेल्टर हाउस और जगह, दरभंगा में कई डेली के अंग्रेप होते हैं। एक हफ्ता पहले हुआ है, सीबीआई जो के टीम को ही हटा दिया गया, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग करते हुए जब वो बड़े लोगों पर पहुंचे तो टीम को ही हटा दिया गया। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट भी गए हैं कि जो टीम थी उसको रोकिए। अभी हम राजनीति नहीं करेंगे, बिहार के 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ लोगों के फैमिली, वो मेरी फैमिली, और उसकी जिंदगी के लिए मुझे जितनी बार युद्ध लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे। हमें अभी बेटी की लड़ाई लड़ने दीजिए, राजनीति देखेंगे बाद में। ये है और वहां से गवाही गायब है, इसलिए तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए सभी लोग इन्वॉल्व है। वहां का राज खुलेगा सर, पप्पू यादव जब तक है तब तक इन रावणों और विभीषणों को, दुर्योधन को मरना ही पड़ेगा सर, इसको लिख लीजिए सर। इनको बिना दफनाए, इनको, इनके लंका को जलाए पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा। गुंडा, हम पहले ही डीजी को कह दिए थे, चीफ सेक्रेटरी को पहले ही हम मैसेज दे चुके हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है,
मैं एक आदमी हूँ जो नफरत को रोकने की तैयार, यदि पप्पू यादव पेशेंट से काम नहीं लेता तो कितनी बड़ी नफरत पैदा होती। मैंने गाली सुना लेकिन समाज को बरकरार रखने में अपने आप को समाप्त कर देना पड़ेगा तो मैं दूंगा। गुंडे लोग जो इन पापी और महापापियों के कुकर्मियों के देनदार हैं वो शनिवार को नगर थाना परिसर में डीएसपी अनुज कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक की आयोजन की गई। खासकर यह बैठक नजदीक आ रहे गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम को लेकर थी, जिसमें सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्र में चौकसी बरतने को कहा गया। मासिक अमराज का बैठक आयोजन किया गया है, इसमें अभी वर्तमान में विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम का त्यौहार सिद्ध मनाया जाना है, उसको लेकर के विशेष सभी थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जा रहा है। ये तो है ही है पुरुष की भांति कि जितने भी संवेदनशील घटनाएं होती है उसको शीघ्र से शीघ्र निष्पादन करना और उसमें वांछित अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है निष्पादन पर भी बल दिया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज विशेष बैठक का आयोजन किया गया। नगर थाना पुलिस ने आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर भटियारी सराय से एक महिला शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। नगर थाना क्षेत्र में जो है कि अफसर च्वाइस और रॉयल स्टेट के अतिरिक्त नेपाली शराब का बरामद किया गया है, इसमें से दो व्यक्ति का गिरफ्तारी भी हुआ है, एक महिला जिसमें एक महिला है और उसमें एक पुरुष है। ये लोग के बारे में पहले भी सूचना आती थी लेकिन जो है कि कई बार छापामारी किया गया परंतु किसी कारणवश जो है कि उसके यहाँ से बरामदगी नहीं होती थी। इस बार भी वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद दी गई, इस पर विशेष टीम का गठन करने के बाद जो है कि एक कार्रवाई की गई, इसमें काफ़ी मात्रा में शराब की गिरफ्तारी हुई, दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई। साथ ही साथ आज ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के निर्देशानुसार उन्हीं को गुप्त सूचना मिली थी, जिनके निर्देशानुसार मोरो थाना अंतर्गत भी भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है, जिसमें से एक टेट्रा का है, रॉयल स्टेक का है बोतल है, वहाँ करीब वहाँ भी करीब जो है कि 6 बोरा दारू बरामद हुआ है। पुलिस जो है तत्परता से काम करती तथा पुलिस अपना भी इनपुट पर जो है कि गंभीर है और इस पर सतत कार्रवाई की जा रही है, इसमें संलिप्त लोगों को किसी भी कीमत से नहीं बख्शा जा रहा है। जो जिनकी द्वारा दारू लाया जा रहा है, बिक्री किया जा रहा है और जो बीच में भी काम करके खरीद के लाना और बेचने काम कर उनको भी पकड़ा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, जो पुनः जेल से छूट के आते हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जाती है, अगर फिर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं फिर उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। हर बिंदु पर जो है जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इन कुछ लोग हैं जो इसमें जो बच जाते हैं या अपने को माने MSU कार्यकर्ताओं ने घनश्याम
कर्णपुर लगमा शंभू चौक से रसियारी तक क्षतिग्रस्त शिवनगर घाट रसियारी PWD सड़क मरम्मत को लेकर लगमा शंभू चौक के पास सुबह 8 बजे सड़क जाम कर दिया। जाम का नेतृत्व कर रहे प्रखंड अध्यक्ष राघव झा ने बताया कि सड़क जानलेवा बन गई है, आए दिन सड़क की खाई में गिरकर राहगीर चोटिल होते हैं। नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिथिला बात जिंदाबाद। तो पहले सबको टेके जाए मिथिला। हम घनश्यामपुर प्रखंड अध्यक्ष राघव कुमार झा मिथिला स्टूडेंट यूनियनके कहल चाहब जे अठम जे इस सड़क के स्थिति छै, जिला मुख्यालय से रसियारी तक सड़क गेले हैं, जे सड़क के अठम देखे वाला क्यों नहीं छै। इस सड़क आई से लगभग 3-4 साल पहले बनल छले हैं, जही बीच में अठम सड़क के छोड़ दिलिए। अठम का जे आदमी छथिन हुनकर कहना है कि इस सड़क हुनका निजी जमीन में छै, जखन कि सड़क अठम से 60 किलोमीटर 60 फीट इम्हर छै। ओहिपर अठमा शासन प्रशासन या एतुका जनप्रतिनिधि आज तक कहो ध्यान नहीं देलकै। अखन जे 10 दिन से अठमका स्थिति छै से काफी दयनीय बनल छै। अठम 10 दिन से रोज 25-30 ट्रक फसै छै, अखनो अहाँ देख सकै छी सामने में 5 ट्रक लागल छै। एतय तक दिक्कत छै अठमा, जे मोटरसाइकिल तक निकलनाइ मुश्किल छै, रोज 1-2 एक्सीडेंट होइ छै अठमा, 1-2 घायल होइ छै, 1-2 मर्डरो भऽ चुकल छै अठमा। हम बस इएह कहब जे हमर आवाज जे छै अठमका जनप्रतिनिधि तक पहुँचे, अठमका शासन प्रशासन तक पहुँचे, ऊपरका पदाधिकारी तक पहुँचे और बहुत जल्द से जल्द अठमा हमर सबके रोड बनि जाए। नहीं तो आई हमर सबके सांकेतिक धरना यह, एहिसँ आगा हम सब एकटा उग्र आंदोलन करब। जय मिथिला, जय। राजद के सहयोगी कार्यकर्ता एवं शिक्षक ज्योति पासवान के निधन पर पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने दुख जताया और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। हमारे बहुत अच्छे सहयोगी साथी और ऐसे तो टीचर थे, लेकिन हम लोगों के बहुत शुभचिंतक थे, बहुत मददगार थे। पूरे हम लोगों को, सभी जितने साथी हैं सबको बड़ा दुख हुआ जिस तरह से उनकी मौत हो गई। हम इस दुख की घड़ी में उनके यहाँ पिता बैठे हैं, अंदर परिवार के लोग हैं, उनके इस गम के वक्त में हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग उनका गम तो कम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें शामिल हो सकते हैं और शामिल हो रहे हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और घर वालों को सब्र का मादा दे, जिससे ये लोग आगे अपनी ज़िंदगी ठीक से चला सकें।